नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आदम भाई के फार्म पे आया हुआ हूँ, जिनके पास कुछ भैंसे हैं और काकरेज नस्ल की गायें हैं। किस तरीके से यहाँ पे पशुपालन का काम करते हैं, इनकी खुद की बाड़ी है, किस तरीके से चराते हैं, इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। काकरेज जो गायें हैं उनको जो पालन है उनका, वो किस तरीके से किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। और सारी माहिती बोलते हैं गुजराती में या हिंदी में बोले तो जानकारी दिलवाते हैं और देखते हैं इनके पास किस किस तरह की कैसी कैसी गायें हैं। ये फार्म है इनका पूरा जो बाड़ा बना रखा है आपने पहले। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम और परिचय दीजिए, थोड़ा जगह के बारे में बताइए। आदम भाई जिमा ये इनका नाम है और ये जगह कौन सी है साहब? ये सिमोर कहवा है, बारापुर सिमोर पाटी कहवा है। अच्छा, इस जगह को बारापुर सिमोर वाटी बोलते हैं। पाटी। अच्छा जी, तो आदम भाई साहब आपके पास कितनी गायें हैं टोटल? आपके गाय 70 गायें हैं। अच्छा, जिसमें दूध देने वाली और बिना दूध वाली कितनी होंगी? ये दूध वाली है 40 40 के आसपास दूध देने वाली। अच्छा, तो एक बार मेरे को बताइए आप इनको रखते कैसे हैं, सुबह से शाम का इनका क्या तरीका है रखने का? सुबह से चले जाती है 8 बजे। जी जी, वो छाई में जाती है, आपको दिवस वहाँ बेचते है, वहाँ तबेलो है, वाड़ी है जी, वो बैठती है 3:30 बजे को आ जाएगी। 3:30 बजे वापस आ जाती है, चरो ना कि फिर यहीं पे डालते हो चराने? यहीं पे डालते हैं, अभी दोई चालू थाएगा, 5 बजे दोई चालू थाएगा। 5 बजे के बाद दूध चालू हो जाएगा? दूध चालू, पची आखी रात यहाँ बैठ ले, सवेरे 8 बजे निकल जाएंगे। सुबह 8 बजे निकल जाएंगे, तो आदमी जाएगा इनके साथ ही? आदमी जाएगा, वो इसको चरा के लाएगा। तो कितने आदमी मैनेज कर रहे हैं आदम भाई? आदमी दो छोकरा से एक बाप से तीन ने बे भाई पांच मास हो इसको चाकरी कर दोनों को, गाय और भैंस। हाँ, गाय भैंस। तो ये आदम भाई बता रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और मैं खुद हूँ और आपके भाई हैं मतलब। हाँ। और इनके परिवार में इनकी मतलब मिसिज होगी, तो ये बोल रहे हैं कि 5 आदमी मिल करके हम ये सारा काम संभालते हैं। हाँ। इस तरीके से तो आओ आपको गाय और दिखाते हैं इनकी बढ़िया बढ़िया। ये पहले तो ये बैल दिखा देते हैं, इसके बारे में बताओ आदम भाई, ये आपका जो बैल है इसकी क्या क्वालिटी बता रहे हो आप? बड़ी जो इसको ये आखा है अलिया। अच्छा, ये फाड़ा का खतुरा है, खतुरिया का ही दिख रहा है। अच्छा, नस्ल फाड़ा का, दो घाटी फाड़ा का नस्ल है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि काकरेज की ही काकरेज के पार्ट होते हैं आगे। माड़ी नाम बता रहे हैं नस्ल का, काकरेज के अंदर बता रहे हैं दो नस्ल हो जाते हैं, तो बुरी नस्ल है और ये फेमस नस्ल है इस एरिया की, अच्छी तगड़ी है। ये कितने दिन का होगा आपका ये बुल? ये हाँ, ये 3 वर्ष का है, ये 3 साल का है। 3 साल का है, 3 साल का है। देख लो भाई, इसका खिलाना पिलाना और अच्छा तगड़ा कर रखा है इन्होंने। दाती कितनी होगी इसकी? हाँ, दाती हाँ, दाती इसकी, हाँ इसकी ये 6 दाती 6 दाती 6 दाती 6 दाती होगी भाई इसकी। और स्पेशल है, बढ़िया नस्ल का रख रखा है इन्होंने। एक ही बुल है आपके पास? बुल मतलब ये एक ही है? एक ही है, बाकी गायें सारी ठीक है। ये 5 की है, अभी 4-5 की भैंस है। अच्छा, तो आदम भाई अपना दूध कितना हो जाता है टोटल? 120 लीटर 120 एक टाइम का। ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास जो 40 गायें हैं दूध देने वाली, वो उनसे 120 लीटर है। हाँ। और अभी जो है भाई गर्मी का मौसम है तो दूध कम हो जाता है, बाद में बढ़ भी जाता है। हाँ। तो इनको चराने में क्या क्या है और इनको पानी पिलाने का कैसे प्रबंध करते हैं? पानी में इसको अवाड़ा है, इजरा वाड़ा है, शाम को यहाँ अवाड़ा के पीने। अच्छा, आखो डिब चले गए वो बैठने छाई में वहाँ भी अवाड़ा है। अच्छा, ऊपर छाप रहा है, उधर बाड़ा है, बाड़े में छाया है, छाया में खान में चढ़ा ना कपासिया खड़ो ने मलाई रोज दे 3 कुड़ी तक देखे जाएंगे। अच्छा, ये बता रहे हैं भाई चने का तो वो है जो उसको कपास का थालिया आता है, चना निकालने के बाद जो बच जाता है वो सूखे चारे में है, और गेहूं का भूसा सूखे में। हाँ, सूखे में। और फिर जो बोल रहे हैं हम मलाई का मलाई खिलाते हैं, मलाई का मतलब हो गया जो मक्का होती है उसका पीसा हुआ आटा। हाँ, वो उसको खिलाते हैं। और साथ में क्या बता रहे थे दूसरी चीज? कपास या खड़ इसको भेजने के लिए थालिया होता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या होता है। एक बार गाय का भी और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई, पहले सींग देखो इसके जबरदस्त है। बम्बुरी इनका नाम भी रख रखा है आदम भाई, इसको नाम बम्बुरी है, इसका बम्बुरी। हाँ, बम्बुरी ये आगे वाली गाय है जो। हाँ, इसका नाम बम्बुरी रखा हुआ है। ये फाड़िया का है? अच्छा, फाड़िया का नस्ल है, फाड़िया ये नस्ल बता रहे हैं काकरेज के अंदर ही। काकरेज मैं चलूं उधर, आप थोड़ा हाथ हटाएंगे? चलो चल। ये देखो भाई, बढ़िया बढ़िया नस्ल की गायें हैं। अभी ये चने का चारा चल रही है,
उधर सिंह देख के डर लग रहा है। तगड़े तगड़े सिंह है। उपट 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 देखो उपट उपट उपट। आप देख सकते हो 70 गाय है, 70 में से 40 दूध देने वाली है। सीट सीट सीट। बाकी नस्ल में आपको पास पास से दिखाता जाता हूँ। बढ़िया जबरदस्त गाय है। कांकरेज तो गाय के अंदर गुजरात के कच्छ में फेमस नस्ल है भाई। जो समझ लो आप दूध देती हैं, सूखे सूखा खा करके भी दूध दे देती हैं, ये ऐसी गायें हैं। और भैंसों के अंदर बन्नी, ये दो नस्ल ऐसी हैं जो जबरदस्त हैं। आदम भाई कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? आपका त्राण पीढ़ी करने है। कितने वर्ष हो गए आपको? पीढ़ी ये आपका था 40 वर्ष उम्र का है। तरण पीढ़ी। हाँ तरण। आदम भाई बता रहे हैं कि हमारी तीन पीढ़ी हो गई, ये काम करते हुए। ये देखो ये आपका लड़का है क्या? हाँ ये लड़का है। अच्छा ये बड़ा लड़का है? हाँ बड़ा है, वो छोटा है। जय माता दी भाई। नाम क्या है आपका? अशरफ। ये अशरफ भाई है। देखो भाई अशरफ भाई इस गाय का क्या नाम रखा हुआ है आपने? दौर। ये देखो भाई दौर। इस गाय का दौर नाम है, बोलते ही देख लो कैसे ऊपर मुंह है। दौर। ये बताते हैं बहुत समझदार गायें होती हैं। सारी गायों के अंदर गिर गाय के बाद इसका नंबर आता है, बताते हैं कांकरेज गाय का नस्ल सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छा दूध होता है, उत्तम दूध होता है इसका। और समझदारी में ये बोलते हैं इतनी वफादार होती है ये, अगर इसके मालिक को कोई मारने आए या पास आए तो ये समझ लो उसको जान से मार सकती है, इतनी अच्छी। और वैसे कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है। थे, थे। देखने में ऐसे लगता है कि भाई यहाँ तगड़े देख के आदमी डर जाता है। यूट्यूब तो वीडियो वाला जो है नहीं जो वाला है बाल में ही बात नहीं थी हाला है दन में मैं क्यों पे तो डिनो ना बाल ये इधर इधर ये शौक जी वाला है ये वाली नहीं जी नहीं वो अभी जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है साथ में वो अभी आप बोलोगे ना वो रिकॉर्ड होता रहेगा कहीं भी बोलो आपसे वो माइक लगा हुआ है ना हाँ मैंटी इसका नाम मैंटी इसका नहीं बोला ओ धोरी मोटा संग्रहालय मैटी 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 लकलिया की सफेद वाली है वो सफेद कॉकरेज मैटी ये बनके भाग दे ओए मैटी चोरी 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 अरे चरने का देख लो भाई चरने का देख चोरी चोरी ये चना का चरो और ये गोबर जो दिख रहा है आपको ये इकट्ठा हो जाएगा फिर बाद में इसको लोडर से निकाल करके और बाड़ी वालों को बेच देंगे इनकी खुद की भी बाड़ी है उसमें भी डाल लेंगे देखो ये बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है गायों का तो एक बार खाने वाला और देख लेते हैं क्या क्या खिलाते हो आप ये देखो भाई ये बता रहे हैं कि हरियाणा पंजाब से इसको मंगवाते हैं चने का भूसा है ये और 350 रुपये 40 किलो का मिलता है 40 किलो का मणका 350 रुपये तो ये लगभग सबको पता ही होगा भाई जिसको नहीं पता वो पास से देख सकते हो इसको इसको खिलाने से तो वैसे ही दूध बढ़ जाता है चना का अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है तो हो जाता है और ये जवार ये ज्वार और ये जवार है भाई ज्वार है तो ये सूखे चारे में है सूखे चारों में चना के चारों आते है ये इसको पानी वधारे पीने ये यहाँ की दंदाड़ी भी दिखा देता हूँ दूध पे वधारे चलती है और ये देखो भाई ये भूसा है अच्छा ये भूसा है ये किस चीज का है इस भूसा का ये गेहूं का भूसा है इसका अच्छा। भाव है 1180 रुपया 1180 रुपये 80 रुपया 50 किलो 50 किलो और ये मलाई है ये मलाई है मलाई है इसका भाव मलाई का 50 किलो भरती है इसका भाव है 1380 रुपया 1380 रुपये 50 किलो ये इकट्ठा आता है और ये थालिया थालिया ये कपास होती है कपास कपास का ऊपर का भूसा जो है वो है हाँ, इसका, ये तीनों मिला दिया हाँ ये तीन मिला दिया दो अजी खड़ है कपास या खड़ ये खड़ भी है ये खड़ भी है अच्छा ये भी मिला रहे हैं मिला दिए ठीक ठीक कपास या खड़ ये कपास या खल है कपास की खल है मतलब ये उसका चारा हो गया कपास का हाँ और ये कपास की खड़ होगी ये चार चीज मिला के खिला चार चीज मिला के ठीक ठीक कितना देते हो एक पशु को ये 3 किलो
तीन किलो सारा 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 मिला के तीन किलो जो बनता है, तो एक पशु को तीन किलो खिला देते हैं भाई। ये देखो ये मिला दिया अभी, अब इसको खिला देंगे और दूध निकाल लेंगे। इस तरीके से ये इनका प्रोसेस है, खुले में रखते हैं और यहीं पे दूध इकट्ठा करने का ये ड्राम रहेंगे, छान करके दूध ले जाएंगे। और इनके गायों के बच्चे हो रहे हैं उनको एक साइड में रखते हैं, उसका भी कारण पूछते हैं आदम भाई से, उनको अलग कैसे रखते हैं और उनको दिखा देते हैं आपको। आदम भाई, ये गाय के सारे बच्चे अलग रखते हो? सारे बच्चे अलग दे। इसका कारण? इसका कारण पची साथे होती है तो दाई जाते है। हाँ, दूध पी जाते हैं। दूध पी जाते हैं। सही सही। तो इन्हें तो दा डुआई पूर तो जे 10-15 मिनट साथ होते हैं। अच्छा अच्छा। सबकी अलग कर देते हैं, बाकी अलग कर देते, बाकी अलग कर देते। तो फिर ये क्या नाम है, मतलब बांधते हो ही नहीं आप इनको? नहीं, छूटा जे ना गाय बांधते, गाय बांधते नहीं है, सबके बच्चा नहीं बांधते है, सब दो छूटा जे, सब खुले ही रहते हैं, खुले रहते हैं। और दूध निकालते उस टाइम भी नहीं बांधते? नहीं, होते साथ में, साथ में बांधते है। अच्छा अच्छा। दूध निकाल दे तो साथ में बांधते है, इन्हें ऊपर बांधते है साथ में। तो ये देखो भाई, यहाँ का जो गौ पालन था वो आपको दिखाया मैंने, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं भाई साहब का नंबर दे दूंगा, एक बार आप आपका नंबर बता दें गुजराती में। 97194-95-61। मैं स्क्रीन पे इनका नंबर लिख भी दूंगा, तो आप बात कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए हो किसी को तो इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में।